very good morning to all of you. students, today we are going to start question answers of chapter 11 of history, that is rise of indian nationalism. let's begin with short question answer. question one is, how did communication and transport help in the development of nationalist ideas? question one may answer, pucha gaya hai. Ki nationalist ideas, nationalism, oneness, को डेवलप करने में कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हमें उस टाइम पर प्रोवाइड हो गई थी उन्होंने हमारी किस तरीके से हेल्प की थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी फ्रीडम को गेन करने में कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का क्या सहयोग था लेट्स डिस्कस इट्स आंसर द न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट दैट इज पोस्टल रेलवे एंड टेलीग्राफ हेल्प पीपल टू कम क्लोज़र जो हमें वहाँ पर अंग्रेजों के राज में हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिली थी जैसे कि हम हमारे पास पोस्टल सर्विसेज आ गई थी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में हमें अंग्रेज़ों की जो एक महत्वपूर्ण देन है हमें वो है रेलवे इन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की थी एक दूसरे के नज़दीक आने में क्योंकि कम्युनिकेशन से वो अपनी बातचीत एक दूसरे के साथ कर सकते थे दूर बैठे हुए लोगों के साथ भी कर सकते थे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो कि रेलवे चीपेस्ट मीन होता है हमारा यहाँ पर ट्रेवल करने का तो इसने भी लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया था सेकंड पॉइंट द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कुड नाउ इजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर अब लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे वे एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे थे दी सर्विसेज प्रमोटेड यूनिटी अमंग द इंडियंस इन सर्विसेज ने इंडियंस को यूनिटी दी थी क्वेश्चन टू राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अर्ली सेशंस ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस के जो अर्ली सेशंस थे उनके बारे में आपको बताना है द कांग्रेस स्टार्टिड होल्डिंग इट्स सेशन एनुअली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बच्चे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इसने अपने जो अर्ली सेशंस थे वह साल में यह पूरे साल में यह कांग्रेस अपने सेशन लिया करती थी देश की अलग अलग जगहों पर द एम्स ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम वर इन सेशन में जो गवर्न कांग्रेस अपना एम अपना लक्ष्य रखती थी वो क्या था टू क्रिएट अ प्लान फॉर डिमांडिंग कंसेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस का फॉरमोस्ट एम था कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंसेशन के लिए फोर्स करे कंसेशन किस में टैक्स में कंसेशन एक्सेट्रा तो जो हमारी कांग्रेस थी उस समय पर वो चाहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम भारतीयों से एक्सेसिव टैक्सेस चार्ज कर रही है उसको उसमें कंसेशन करे टू मेक द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टुगेदर एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिया और दूसरा एम कांग्रेस का क्या था कि ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी लीडर एक्टिव थे उनको एक साथ लाना चाहती थी और चाहती थी कि सभी लीडर्स एक साथ बैठकर इंडिया की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें ना कि अपनी रीजनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें पहले क्या था एटीन जो हमारी क्रांति थी एटीन फिफ्टी सेवन की उसमें भी जो मेन प्रॉब्लम यही थी कि जो लीडर्स थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे सेंट्रलाइज्ड नहीं थे तो अब कांग्रेस ने क्या किया कि सभी लीडर्स को एक साथ लाने की कोशिश की कि सभी लीडर्स मिलकर इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ना कि अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करें क्वेश्चन थ्री व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट आर स्वदेशी एंड बायकोट यहाँ पर आपको जो हमारे स्ट्रगल के दो मेथड थे एक था स्वदेशी और दूसरा बायकोट इनके बारे में डिस्कस करना है टू मैथड्स ऑफ स्ट्रगल फर्स्ट स्वदेशी स्वदेशी मीन्स ऑफ ओन कंट्री स्वदेशी का मतलब होता है अपने खुद के देश का स्वदेशी को अगर आप संधि विच्छेद करें तो स्वदेशी मतलब अपने देश का दिस मूवमेंट एनकरेज द आइडिया ऑफ इस मूवमेंट ने किस चीज को एनकरेज किया स्वदेशी एंटरप्राइजेस मतलब अपने देश में बनी हुई चीजों को हम प्रयोग करें नेशनल एजुकेशन अपने देश की एजुकेशन को समझें और उसे प्रमोट करें और थर्ड क्या है यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हम अपनी एजुकेशन अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में लें ना कि ब्रिटिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसमें लें सेकेंड है बायकोट बाईकोट एम्ड एट आस्किंग पीपल टू बायकोट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बायकोट मूवमेंट का मेन एम क्या था कि वह लोगों को इंसिस्ट करें कि आप ब्रिटेन से ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं को बायकॉट कर दे मतलब उन्हें प्रयोग करने से मना कर दे दिस वुड हेल्प इंडिया टू मूव अवे फ्रॉम द स्टेटस ऑफ बीइंग अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ब्रिटिश गुड्स इससे क्या होगा कि इंडिया अंग्रेजों ने भारत को जो एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ था अपनी वस्तुएं भारतीय मार्केट में बेचने का उस चीज से भारत दूर हो जाएगा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अपना सामान बनाकर जो इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं अब वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो इस चीज का श्रेय किसे जाता है बाय मूवमेंट को क्वेश्चन फोर हु वॉज ओ ह्यूम वट वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो ह्यूम कौन थे और उनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एम वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो रिटायर्ड थे ही ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई इन्होंने बॉम्बे में जिसे अब हम मुंबई कहते हैं वहां एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की दिस वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कांग्रेस यह कांग्रेस की स्थापना का पहला कदम था मतलब कांग्रेस की स्थापना के लिए जो एक मीटिंग बुलाई गई थी जो ए ओ ह्यूम ह्यूम ने बुलाई थी इसका श्रेय ए ओ ह्यूम को जाता है जो हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हुई थी हिज एम वॉज अ क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनका लक्ष्य था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए दैट वुड कम्युनिकेट द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस टू द गवर्नमेंट जो इंडियंस की डिमांड को कलेक्टिवली ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रख सके स्टूडेंट्स यहां पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेन प्रोवाइड करवाऊंगी थैंक यू हैवे नाइस डे